अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। आप लोगों का यूट्यूब चैनल है, व्यूज नहीं आ रहे। टिकटॉक अकाउंट है, व्यूज नहीं आ रहे। तो हम डिफरेंट मेथड्स जो है वो ट्राई करते रहते हैं, और जो मेथड हमारा कामयाब हो जाता है वो मैं आप लोगों के साथ पब्लिकली शेयर कर देता हूं, ताकि भाई अगर वो चीज मुझे बेनिफिट दे रही है तो आप लोगों को भी बेनिफिट दे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड सिखाने के लिए जा रहा हूं जिससे आप लोगों की टिकटॉक की वीडियो भी वायरल हो जाएगी, और उसके साथ साथ आप लोगों के YouTube की जो वीडियोस हैं वो भी वायरल होंगी। कंप्लीट लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को सारी चीजें सिखाऊंगा। इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्किल सिखाऊंगा। वो स्किल सीखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप लोग वो स्किल सीख जाते हैं तो उस स्किल की वजह से आप लोगों के टिकटॉक के अकाउंट भी वायरल हो जाएंगे, आप लोगों के यूट्यूब के अकाउंट भी वायरल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग अपने इंस्टाग्राम की रील्स को भी वायरल कर सकते हैं, फेसबुक की रील्स को, फेसबुक की शॉर्ट्स को, यूट्यूब की शॉर्ट्स को, हर चीज को वायरल कर सकते हैं। ठीक है, इतना आसान सा स्किल है, 2 मिनट का काम है। मोबाइल पे ही आप लोगों को सिखाऊंगा, मोबाइल पे आप लोगों ने करना होगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को चैनल दिखा देता हूं किस तरीके से हमने वीडियोस को वायरल किया, किस तरीके से हमने अपने टिकटॉक के अकाउंट्स को वायरल किया, और उसके अंदर जो स्किल है वो हम एंड पे सीखते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों को मैं सारी चीजें दिखा देता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम है ना चैनल पे, नहीं भी है पहले से देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो क्यों नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। आए जरा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे जी, तो इस वक्त मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर हूँ और हमारे सामने एक टिकटॉक का अकाउंट जो है वो ओपन है। इसके फॉलोअर देख रहे हैं, 15.4K फॉलोअर है टोटल। ठीक है, यहाँ पे आते हैं जरा इसके व्यूज चेक करते हैं। तो इसकी एक हमने वीडियो अपलोड की, 7,31,000 व्यूज ले गई ये वीडियो। अगली वीडियो इसकी 67,000 व्यूज ले गई। उससे पीछे भी एक वीडियो थी, ये देखें, ये तकरीबन 1,00,000 व्यूज लेने वाली है, ये 26,000 व्यूज ले गई। ठीक है, और सॉरी इसको जरा क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के बाद यहाँ पे मैं मजीद भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके एक और भी वीडियो थी यार, वो ठीक ठाक वायरल हुई थी। अच्छा, अब ये इसमें हम सीन करके आ रहे हैं, हम इसमें सिंपली ये सीन करते हैं कि जो वीडियो हम अभी मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ ना, इस तरह की एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। उसी वीडियो को हम समराइज करते हैं 1 से 1.5 मिनट के अंदर, दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट के अंदर दोबारा बना के टिकटॉक अकाउंट पे डाल दी, उसके अंदर 1-2 पॉइंट्स बेशक छोड़ भी दिए, उसी टिकटॉक वीडियो के अंदर हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि डिटेल्ड वीडियो बायो के अंदर लिंक गिवन है, आप लोग यहां से जाके हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि टिकटॉक की वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं आते, ये असल मसला है ना। वो व्यूज का मैं आप लोगों को सीन समझा देता हूँ, सारा कुछ टेंशन नहीं लेने का आपने। ठीक है, तो अब सीन क्या होता है, अब आप लोगों ने यहां से सारी ट्रैफिक लेके जानी होती है अपने YouTube चैनल के ऊपर। बायो के अंदर आप अपने YouTube चैनल का लिंक दे देते हैं, तो इसका फायदा क्या हुआ, अब आके जरा देखें कि ये जो हमारी वीडियो वायरल हुई, 7,31,000 व्यूज ले गई, इसका फायदा हमें क्या हुआ। इसका फायदा हमें ये हुआ कि हमारी एक ही वीडियो के ऊपर 2,500 से ऊपर के व्यूज भी आ गए, ये वाली वो वीडियो थी, 112 सब्सक्राइबर भी आ गए, पुरानी वीडियोस के ऊपर भी व्यूज आना शुरू हो गया। बिल्कुल न्यू फ्रेश चैनल था, अभी कुछ ही दिन हुए थे इसके ऊपर काम करना, ये स्टार्ट हुआ था, मेरा दोस्त है, ये स्टार्ट हुआ था और इसके ऊपर व्यूज आना स्टार्ट हो गए। पिछली वीडियोस के ऊपर भी, ये देखें, न्यू वीडियो जो अपलोड कर रहा है उसके ऊपर भी व्यूज आना स्टार्ट हो गए। चैनल एनालिटिक्स के अंदर जाए तो आपकी पुरानी वीडियोज के ऊपर भी व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आप ये देखें, पहले ग्राफ कैसे आ रहा था, ये ऐसे, फिर इधर चला गया, अब ग्राफ कितना है, यहां पे नहीं है, ये बॉटम पे नहीं है, ऊपर ऊपर फ्लोट करता हुआ जा रहा है, मतलब कि ऑर्गेनिकली ग्रो करता जा रहा है। और उसके बाद जितनी ऑडियंस आ रही है, जितना सब्सक्राइबर आ रहा है, सारा इंटरेस्ट बेस सब्सक्राइबर आ रहा है, जिन लोगों को कंटेंट के साथ वास्ता था सिर्फ उन लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया। ओके, हो गया, बात समझ आई। अच्छा, अब हमने जो मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने टिकटॉक को वायरल करना है। वायरल करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रिटेंशन। रिटेंशन क्या कि मतलब कि अगर 20 सेकंड की आपकी टिकटॉक की वीडियो है, लोगों ने उसको कितने सेकंड देखा है, आप लोग उसके अंदर जान नहीं डालते। जान डालने का आसान सा नुस्खा, आसान सा तरीका आप लोगों को आज सिखा देता हूं। आइए जरा मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक आसान सा नुस्खा आप लोगों को सिखा देता हूं। यहां पे हम अगर आते हैं, तो अगर आप लोग मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आते हैं, यहां पे आपके आप लोगों ने देखना है। ठीक है, यहां पे सिंपली एक ऐप है कैप्शंस के नाम से है। ठीक है, हो सकता है ये एंड्रॉइड भी हो, मैं अभी आईफोन पे यूज कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को एंड्रॉइड में भी मिल जाएगी, कौन सी ऐप है जो नहीं मिलती है। ठीक है, इसका फ्री वर्जन, फ्री भी आप लोगों के लिए काफी है, आप लोगों को पैसे शैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे अब ये हमें कह रहा है कि अपलोड योर फुटेज वगैरह वगैरह, हमने सिंपली पहली ऑप्शन पे क्लिक करना है इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट वीडियोस आते हैं। तो ये मैं डकी भाई वाली वीडियो उठा लेता हूँ जो इन्होंने मेरे पे बनाई थी, काफी फनी वीडियो थी,
तो मैं इसको उठा रहा हूं, शफीक जाफरी ऑफिशियल का इसको मिल रहा है वॉइस इसकी ओपन ठीक है, उसको सारों ने मिलकर सब्सक्राइब करना है। तो मैं ये डकी भाई वाली वीडियो उठा लेता हूं, बड़ी फनी सी वीडियो है, डकी भाई ने मेरे लिए ये स्पेशली वीडियो मतलब के शुगर लगाने के लिए की थी। इसमें इन्होंने कहा था कि शफीक जाफरी को सब्सक्राइब करें वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ डन, जैसे डन करता हूँ कंटिन्यू विद वन आइटम, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अभी मुझे कह रहा है कि क्या करना है भाई जान, मैं कह रहा हूँ कि प्रोसीड विद, या आप बता रहे हैं कि हिंदी से प्रोसीड करना है या किसके साथ करना है आप लोगों ने। तो आप लोग ये देखें ऊपर हिंदी सिलेक्ट है, हिंदी को करने के बजाय आप लोग इसको इंग्लिश भी कर सकते हैं, या आप लोग इसको मेरा ये अंदाजा बनता है कि आप इसको इंग्लिश करें, ठीक है, हिंदी ना करें, प्रोसीड विद इंग्लिश करते हैं। तो ये अब अपलोड कर रहे हैं आपकी वीडियो को, ठीक है। जैसे ही ये अपलोड करता है मैं आगे आप लोगों को इसका जुगाड़ दिखाता हूँ जी। तो अभी अपलोड कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे ये कह रहा है कि हम देखें अभी क्या जादू करते हैं, मेकिंग मैजिक, ठीक है। तो मतलब कि ये जो AI टूल है ये मैजिक बनाएगा, कैसे मैजिक बनाता है आइए आप लोगों को जरा दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा कंप्लीट होने दें जी। तो यहाँ पे ये देखें ये जो बोल रहा है साथ क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये देखते जाएं जरा इसको, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ना ये खोल के भी मतलब कि सुनाता भी हूँ, ठीक है, ये क्योंकि अभी इसके साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है तो इसलिए इसकी ऑडियो नहीं आ रही, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ऑटो एडिट के नीचे ऑप्शन है ना, इसके अंदर आना है और यहाँ पे सॉरी इसको क्लोज करें, यहाँ पे आप लोग स्टाइल के ऊपर, तो स्टाइल के ऊपर ये देखें डिफरेंट स्टाइल्स हैं, यहाँ पे आप लोग ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि सब टाइटल किस तरीके से लिखा हुआ आए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पहले वाला ही मेरा ख्याल है सबसे अच्छा था जो लगा हुआ है यहाँ पे, जो मैंने पहले लगाया था, ठीक है। तो इसको करते हैं कैंसिल और यहाँ पे अब मैं इसको ना इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और आप लोगों को सुनाता हूँ कि ये जैसे जैसे बोलता जाएगा साथ साथ उसी तरीके से सबटाइटल जो है वो बोलता जाएगा, ठीक है, कैसे आए जरा आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको मैं करता हूँ स्टॉप, ये इसको मैंने स्टॉप कर दिया, अब मैं आप लोगों को जरा ये प्ले करके दिखाता हूँ। मैं इसकी ना थोड़ी सी सेटिंग भी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये आप लोग टेक्स्ट विषय उठा के यहाँ पे ले आए, टेक्स्ट विषय उठा के यहाँ पे ले आए जहाँ पे दिल करता है ले आए, ठीक है। इससे क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ जाती है, लोगों का फोकस बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से रिटेंशन आप लोगों की हाई हो जाती है। सिंपली ऊपर एक्सपोर्ट का बटन है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे कह रहे हैं कि सेव प्रोजेक्ट, नीचे आ रहा है HD 3PS, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू कैमरा रोल, इसके ऊपर आप लोग करेंगे तो डायरेक्टली जो आपकी मतलब के वीडियो है वो सबटाइटल समेत आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। इसको अब आप लोगों ने अपलोड करना है अपने टिकटॉक के ऊपर और टिकटॉक की बायो के अंदर जाके आप लोगों ने देना है अपने चैनल का लिंक, इसी को अपलोड करना है आप लोगों ने अपनी रील्स के ऊपर, इसी को अपलोड करना है आप लोगों ने अपने इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और आप लोगों ने सारी ट्रैफिक वहां से उठा के लानी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनानी है उसी के साथ ही कैमरे पे बैठे रहें, आधे मिनट की एक मिनट की एक शॉर्ट वीडियो भी साथ में बना लेनी है, जिसमें एंड पे आप लोगों ने ये कहना है कि बायो के अंदर यूट्यूब चैनल का लिंक गिवन है। आप लोगों के सामने प्रूफ था, मैंने आप लोगों को सामने दिखाया कि किस तरीके से वो वायरल हुआ और हमने अपना चैनल ग्रो किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप सो वीडियो आप लोगों को बिल्कुल पसंद आई होगी, बिल्कुल यूनिक थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान, जिंदाबाद।